राज्यसभा में पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर चर्चा करते हुए एक बार फिर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिए कोई योजना तो कभी नहीं बनाई, लेकिन किसानों पर गोलियां चलवाई हैं। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में आज किसान सम्मान निधि योजना पर जवाब दिया। इस दौरान उनका रौद्र रूप देखने को मिला। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों पर किए गए अत्याचारों को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों पर फायरिंग के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह को भी लपेट लिया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने सदन के बाहर आकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश के कृषि मंत्री को झूठ बोलने की आदत है। दिग्विजय सिंह ने कहा, कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लगभग 37 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। शिवराज सिंह चौहान ने भी मुख्यमंत्री रहते इस बात को स्वीकार किया था, लेकिन आज वो सदन में झूठ बोल रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी को मैं वर्षों से जानता हूं, केंद्र के कृषि मंत्री हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का लगभग 37 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कृषि मंत्री का यह बयान आया कि हाँ, कांग्रेस के राज में कर्जा माफ हुआ, लेकिन सदन में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार को जो मौका मिला था उसमें उन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया। ये असत्य है और उसका प्रमाण हमारे पास है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।